भाई दुबई जब जाओ तो वापस मत आना, भाई से पूछते क्यों आया यार इस शहर में, इस मुल्क में क्या रखा है, पता नहीं क्यों आया, जरा पूछते भाई। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन भाई, आज 14 अगस्त की खुशी में लोग मना रहे एक जगह को, एक जज्बे को, बहाने ढूंढ रहे हैं, यंग बच्चे आए हुए, कोई राणा लेजेंड के नाम से कोई बड़ा इस पूरा इवेंट, जरा पूरा ग्राउंड दिखाए, ये पूरा ग्राउंड चेक करे, कोई बड़े एज के नाम से, कोई किसके नाम से, और बड़ा एक पॉइंट पे आके ये उड़क की साइड पे ये लोग आए हुए हैं, चारों तरफ पहाड़ है, इस वादी में लोगों ने इस फंक्शन को साइड पे एक्साइटमेंट के साथ बड़ी बड़ी पतंगे, ज़रा ये दिखाएं, ये देखें ये पतंग, और ये इसके लिए बाकायदा इन्होंने ये जैकेट बनाया हुआ है, और ये पतंगे चेक करें, ये इतनी हाइट पे, ये ज़रा चेक करें, बेसिकली व्यूज़ आते हैं और बहुत सारी एक्साइटमेंट मुझे भी है, मैं भी खुश हूँ कि 50,000 फॉलोअर भी बढ़ गए हैं और प्लस 15 के अबव व्यूज़ आए, 15 मिलियन के व्यूज़ आए और एक वीडियो पे 3 मिलियन व्यूज़ आए, ये मेरे लिए बड़ी एक्साइटमेंट की बात है कि क्वेटा शहर से इस तरह की चीज़ें आ रही है। ज़रा ये पूरा ग्राउंड दिखाया, मेरे दोस्त को रिक्वेस्ट किया, इकबाल नामी एक मेरे दोस्त है, बहुत अच्छे बंदे, उनको बड़ा रिक्वेस्ट किया, ज़रा पूरा आसमां भी दिखाओ और ज़ूम करो इसे, ये ज़ूम करे तो ये देखें पूरा एक काश हमारे पूरे बलूचिस्तान, पूरे पाकिस्तान में ऐसी खुशी की लहर हो, लोग एक्साइटमेंट के साथ अपने दिन को, इस इवेंट को सेलिब्रेट करें। पर ये एक सस्ता इवेंट नहीं है, ये बहुत एक्सपेंसिव इवेंट है और इसमें बड़े खर्चे आते हैं। अगर मैं किसी से पूछूं, ये जो एक चरखड़ी बोलते हैं ना इसको सर, ये एक चरखड़ी जो है, ज़रा दिखाएँ इसकी प्राइस कौन बताएगा, ज़रा अंदाजा, सिर्फ इस एक पे कितना खर्चा है? तकरीबन 8 से 9 हज़ार की चरखी, 8 से 9 हज़ार की, और प्लस इसकी पीछे मेहनत बहुत है, ज़रा इस डोर की मोटाई चेक करें, और ये अभी इसने बारीक डोर है, यहाँ पे ना मोटी डोरे ज़्यादा यूज़ नहीं करते, अच्छा बारीक डोरे यूज़ करते हैं, इस वजह से कि मामला आजकल आपको पता है ऐसे हैं कि मोटी डोरे होती तो उनसे गर्दने वगैरह कट जाती हैं, तो बड़े हादसात भी होते हैं, तो हम लोग इसीलिए साइड एरिया पे आए हुए कि बिल्कुल बहुत दूर आए हुए इंजॉयमेंट करने के लिए, और मामला ऐसा है कि हर बंदा आप देख सकते हैं अच्छी तरह एंजॉय कर रहा है, ये जो ऑलमोस्ट लग रहा है कोई 1.5-2 लाख रुपए का तो खर्चा किया हुआ इस वक्त चीज़ें लाके, नहीं तकरीबन ये 70 से 80 हज़ार रुपए का खर्चा है, माशाल्लाह तकरीबन इतना खर्चा है। और इसमें ये मैं आपको बताऊँ ना, ये जब ये मेला जो लगा हुआ है ना, इसमें बड़ा सस्ता शौक है, अच्छा ये वो इतना महंगा नहीं, चंद एक लोग है जो एक्सपेंसिव डोरे वगैरह ले लेते हैं, वरना तो ये 8-7-8 सौ रुपए की किसकी रील मिल जाती है, अच्छा 50 रुपए के एक गुड़ा मिल जाता है, अच्छा तकरीबन एक 10-15 गुड़ा लेने, एक 2 रीले लेने आके खूब एंजॉय कर सकते हैं। पतंग से कोई 15 काटी है, जी जी, वो उसकी प्राइस क्या थी, और ये उसकी तकरीबन 400 रुपए एक प्राइस थी, अच्छा। और इस चरखी की जो प्राइस है वो तकरीबन 7 से 8 हज़ार रुपए, और उससे कितनी काटी है, उससे तकरीबन 15 से 20 पतंगे काटी थी, अच्छा माशाल्लाह। ये शौक का कोई मॉल नहीं है, ये देखिए जरा इस वक्त पूरी टीम आई हुई है, और एक भाई हमारे थे जो बड़े एक्सपर्ट तरीके से चीज़ों को दिखा रहे थे, तो खैर उनकी तरफ नहीं दिखाते, मगर जो इन्होंने अपना एक मुनज़म करके पूरा सिस्टम बनाया हुआ है, ज़रा ये देखिए पूरा ये जैकेट, ये शौक है जो बहुत कदीम शौक है, पूरे पाकिस्तान में ये बड़े जोश और खरोश से मनाया जाता है, और बड़ा एक सस्ता शौक नहीं है, शौक के कोई मोल भी नहीं होते, प्लस डिपेंड करता है कि आम बंदा उसको किस तरह मनाते हैं। तो नाज़रीन ये है शौक, ज़रा है बच्चों से भी कुछ सवाल करते हैं, लोगों को पता चले हमारी ब्राइट साइड ऑफ बलूचिस्तान उसमें क्या है और क्या कहती है, करेगा जो शौक से होगा। भाई आप दोनों में से आ जाए कोई बात करें मुझसे, अस्सलाम वालेकुम बेटे, ये क्या सीन है, और पापा भी आए हुए हैं, बड़े बड़े आए हुए हैं, और सारे उधर मेरे ख्याल में दूर है, उनके पास भी जाते हैं, तो ये इसका क्या शौक है और कब से आए हुए हैं और क्या क्यों मना रहे हैं ये? ये हम लोग सुबह से आए हुए हैं, अच्छा। बसंत 14 अगस्त की खुशी में बसंत बना रहे हैं, अच्छा अच्छा 14 अगस्त को सेलिब्रेट कर रहे हैं, यस। उम्मीद बाकी है, उम्मीद को जिंदा रहने दे, लोगों को खुश रहने दे, बड़ा अच्छा मैसेज इन्होंने किया है। तो सुबह से कितनी डोरे काटी आपने, बताते खुद या कुछ उड़ाई है? मैंने 8-9 काटी। और ये कब से अबू ये काम सेलिब्रेट कर रहे हैं हमेशा से 14 अगस्त की खुशी को? ये 2-3 साल हो रहे हैं, 2-3 साल से ये इधर आके इतनी दूर आके कि आबादी को नुकसान ना पहुंचे, और आप चलाते हैं और मजा आता है आपको? जी। नाम क्या आपका? इबाद। इबाद है, इबाद भाई जरा देखिए ये बड़ी गाड़ी आई हुई और बड़े स्पीकर भी आए हुए, और पापा कहाँ गए हैं भाई, किस तरफ है? हाँ। राणा भाई, राणा भाई पतंग उड़ा रहे हैं माशाल्लाह, ये जरा पतंगे दिखाएं और ये चरखड़ियाँ दिखाएं, जिसको पता नहीं हमारी उर्दू जुबान में क्या बोलते हैं चरखड़ी को,
इसको क्या कहते हैं चरखड़ी का? अच्छा नहीं, अपने अपने शहर में पंजाब में मेरे ख्याल में इसको कुछ और बोलते होंगे, मैंने वहाँ देखा है, पता नहीं क्या कहते हैं, डोर। अच्छा चरखी और चरखड़ी कहते हैं। बहुत एक्सपेंसिव है लोगों के लिए, जितनी लिमिट है शौक की अलग बात है। सर इतने हालात में और योर गुड नेम, और कब से ये आप इवेंट कर रहे हैं ज़रा बताइए। मेरा नाम राणा नवीद है जी भाई, और बस कोई हो गए 2-3 साल हो गए ये इवेंट करवाते हुए, जब से क्वेटा वापसी शिफ्ट हुआ दुबई से। अच्छा तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, ये देखें आपके सामने ये पूरा एंजॉय कर रही है का जो मूवमेंट है ये आपने क्रिएट किया है? बस इन लोगों ने सभी ने मिलके क्रिएट किया है। सपोर्ट मैंने जो है जस्ट एक वो दिया था मैसेज दिया था फेसबुक पे, कुछ दोस्त हैं जो माशाल्लाह सबने मिलके जो एक अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज हो गया। क्वेटा वालों में बेसिकली जो है ना वो नहीं है कोई स्पोर्ट्स, तो यहाँ पे है नहीं आपके सामने, तो हम जो है ना मुकम्मल तौर पर डिस्टर्ब है यहाँ पे के क्या करें। तो ये एक अच्छा स्पोर्ट्स मिला हुआ है हमें जो है, मतलब हमारे लड़के जो है नशे के आदी नहीं हो रहे, स्पोर्ट्स में जो है वो इंजॉय कर रहे हैं, वन टू ऑल जो है, तो माशाल्लाह मजा आ रहा है। आप दुबई से क्यों? ये देखें आज आप जिस इवेंट पे खड़े हैं ये माशाल्लाह 14 अगस्त का इवेंट है, ठीक है, तो इससे तो आपको साफ नजर आ रहा होगा कि वी लव पाकिस्तान। अच्छा माशाल्लाह, क्या उम्मीद है? मैं तो अपने हर वीडियो में बड़ा नाउमीदी से बात करता हूँ मुल्क में क्या हो रहा है, गैस पानी इन सब के चक्करों का क्या हो रहा है, क्या फ्यूचर देख रहे हैं, और ये जो आप एक शमा जला रहे हैं, अगर कोई भी पॉजिटिव काम कर रहा है वो एक लाइट उस डार्कनेस में लाइट कर रहा है, क्या सीन है, क्या उम्मीद है दुबई से, क्वेटा लॉजिक क्या है, क्यों शिफ्ट हुए, और कोई उम्मीद है आपको या मैं कितना गलत हूँ ये भी आप बता सकते हैं? बेसिकली मैं तो मेरी फैमिली यहाँ पे रहती थी तो मैं उसके हवाले से यहाँ पे मूव किया है। अच्छा। और यहाँ पे सर उम्मीद बिल्कुल फिलहाल तो हमें तो कोई नजर नहीं आ रही, क्योंकि हमारे वन टू ऑल जितने लोग हैं वन टू ऑल करप्ट हैं, आपको भी पता है, और किसी को इतनी फिक्र नहीं है कि हमारे मुल्क में जो है किस किस चीज़ का बुहरान है। वजीर आला साहब हमारे सोए रहते हैं, वो सोते सोते बूढ़े हो गए, पूरे बुलिस्तान के हर जगह कैसे है, उम्मीदें तो हमें कोई नहीं है भाई, लेकिन ये कि अगर हमारा नौजवान जो है वो उठ खड़ा हो और वो जो कोशिश करे तो इंशाल्लाह इन फ्यूचर जो है हम काफ़ी आगे जा सकते हैं। मुझे इस बात का डर है, पिछले एक हफ्ते से यहाँ पर हर झंडे के पीछे एक ब्लास्ट हुआ है इर्द गिर्द के इलाके में, ये पहनना भी ऐसे जैसे कफन पहना हुआ है, मुझे इतनी हिम्मत तो नहीं है कि मैं कई जगह ला के बोलूँ। मैंने तो खैर बायकॉट 1 अगस्त की वीडियो बनाई थी, वो एक अलग मेरा विजन था, उसके पीछे एक अलग मायूसी थी, काश अच्छे दिन आए, पर ये जो कफन मेरी नज़र में इस वक्त ये कफन पहन के खड़े हैं, ये क्या वजह है, क्या उम्मीद है, क्या आप अभी जो हालात आप देख रहे हैं, आप क्वेटा में रहते हैं ना कहीं जी और विजन वहाँ ख्यालात छोड़ के आए, ये क्या सीन है? नहीं हमें जो बम हो रहे हैं और आप ये इतना पहन के अपने बच्चों को भी पूरा कर, माशाल्लाह गाड़ी को, पूरी टीम है हमारी जो है, क्या विजन है, क्यों ये पहना भाई, आपको नहीं लगता कि ये देख के कोई मारेगा आपको? अल्लाह वारिस से यार कोई मसला नहीं, जब आप एक चीज सोच लेते हैं कि जी मरने का एक दिन मुकर्रर है तो फिर तो आप घर में बैठे बैठे भी मर सकते हैं। क्या बात, ठीक है ना, लेकिन ये कि हमें बड़ी टेंशन थी इस बात की कि यार ये आज हम इवेंट करवा रहे हैं तो अल्लाह पाक बड़ा खैर खैरियत से गुजारे, बड़े नफल शफल मांगे, सच्ची जो बात है कि अल्लाह पाक इसको जो है ना आसूदगी से ख़त्म कर दे ताकि जो लोग इंजॉय करें, और मतलब ये क्वेटा का ये जो नाम है ना, आप थोड़ा देर पहले आते तो हमारे पास माशाल्लाह बहुत बड़े बड़े पतंग थे, बिल्कुल तो, और थे भी बड़े एक्सपेंसिव पतंग थे, मैं आपको वीडियो शेयर करूंगा उसकी, तो ये माशाल्लाह अभी पूरे पाकिस्तान में जाएगा और एक मैसेज जाएगा हमारा कि यार हमने ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया है, और ये देखें माशाल्लाह हर तरफ से नारे शारे लग रहे हैं, लोग इन्जॉय कर रहे हैं, तो यही एक सबसे बड़ा, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? ये जो ब्लेसिंग इनके चेहरे पर नज़र आ रही है, वो उम्मीद की किरण नज़र आ रही है कि निज़ाम पे इस तरह की हिम्मत, लोग किस उम्मीद से खड़े हैं, क्या फैमिली को मैसेज दे रहे हैं, फैमिली भी डर रही होती है, काश मेरे मुल्क का निज़ाम अच्छा हो जाए कि मुझे आना पड़े, काश अच्छे दिन आ जाए, सब हमारी दुआएं इस पे। इसी नोट पे आप अगर अपने सेलिब्रेशन के दिन पे पाकिस्तान को जिंदाबाद बोल रहे हैं, मेरा नारा है जिंदा भाग, ये भाग नहीं देखिए जिंदा तो भागना पड़ेगा यहाँ से, ठीक है, लेकिन अगर हमारा नौजवान एक्टिव हो जाए ना तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि ये नौजवान जो आज का नौजवान है ना ये एक्टिव हो जाए तो ये पुराने जितने लोग हैं ये साइड पे हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। अच्छा, और नौजवान में इतनी अकल है कि हमने आगे जाना है, बाखुदा मैं अपने इन बच्चों का जो है ना फ्यूचर मुझे तो नजर नहीं आता है पाकिस्तान में। आप सही कह रहे हैं कि जिंदा भाग, लेकिन मैं फिर भी कहूँगा पाकिस्तान जिंदाबाद। क्या बात है, क्या बात है, शर्म आनी चाहिए आप लोग को, शर्म आनी चाहिए तालियों से, उस उम्मीद से जो अपने बच्चों को इस जगह पर ला के, इस ग्राउंड में ला के, हर बच्चा कहीं ना कहीं से, अगर मैं किसी के डिटेल में जाऊंगा तो किसी का ज़ख्मी हो चुका होगा, किसी का फौत हो चुका होगा, किसी का शहीद हो चुका होगा, ये शर हमें कब आएगी, 75 साल का जो चूरन मिल रहा है हमारे आवाम को, कब कब मैं चुप क्यों रहूँ, कितने ज़ख्म है मैं क्यों ना दिखाऊँ,
और ये उम्मीद भी आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि ये मेरी थ्योरी से अगेंस्ट रखते हैं, और माशाल्लाह आपने इस उम्मीद से शर्म कर लें, मुझे तो कोई उम्मीद बाकी नहीं है। मिलते हैं एक से अच्छी पॉजिटिव वीडियो के साथ, वली खान के बकवासियात के साथ, उसे माफ़ कर दीजिएगा, नहीं करेंगे आप। जब 100 लोग हज़ारों लोग गए, हम भी चले जाएंगे, देर सवेर हो जाएगी, मगर ये उम्मीद अल्लाह कायम रखे, इनकी वजह से इस उम्मीद, इस कौम को, इस मुल्क को कायम रहना चाहिए। पीस टू ऑल।